नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको जो नापने का तरीका है वो शेयर बाजार से नापा जाता है। उससे पता लग जाता है कि भारत की इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है। और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है ये मेन इंडिकेटर है। इससे हमें समझ में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आखिर चल कैसी रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि शेयर मार्केट ने आज एक नया इतिहास रच दिया है, एक कीर्तिमान नया स्थापित कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो सेंसेक्स है जिसमें 30 शेयरों का होते हैं, जो जिसकी इंडेक्स मापी जाती है 30 शेयरों से, तो सेंसेक्स ने अभी पिछले ही हफ्ते 84,000 का आंकड़े को पार किया था। लेकिन आज सप्ताह के पहले दिन जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो इसने ज़बरदस्त उछाल करी 283 पॉइंट की, और ये 84,827 अंकों पर पहुंच गया। ये एक रिकॉर्ड है और ये ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड है। इससे पहले निफ्टी सेंसेक्स कभी भी इतनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे इंडेक्स निफ्टी की, जिसमें 50 शेयरों का एक इंडेक्स है, 50 शेयर से वो इंडेक्स को मापा जाता है, अगर उसकी बात करें तो वो भी अपने रिकॉर्ड हाई की तरफ है। आज वो 26,000 के बिल्कुल पास कारोबार कर रहा है। ये समझ लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसको दर्शाता है। ये जो इंडेक्स है, सूचकांक हैं, जो सेंसेक्स हो या निफ्टी, ये शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक सही तरीके से आगे बढ़ रही है, और जो इन्वेस्टर हैं ये भारत की इकॉनमी में भरोसा कर रहे हैं और अपने को पैसे को लगा रहे हैं। वो देश के भी इन्वेस्टर हैं जो पैसे को लगा रहे हैं, और देश के बाहर के भी इन्वेस्टर हैं जो पैसे को लगा रहे हैं, और कम्प्लीटली इससे भारत की मार्केट तेज़ी से भाग रही है आगे की तरफ। लोग इससे हो सकता है कि अच्छा रिटर्न भी पैदा करें, अच्छा इसमें मुनाफा दर्ज करा लें, ये हो सकता है। और आपको बता दें दोस्तों कि जिस हिसाब से भारत के ये इंडेक्स आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से दुनिया के जो और दूसरे इंडेक्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। उनमें उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है जैसे कि भारत में देखने को मिल रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी को पैसा कमाना है, पैसे को बनाना है, तो ये समय बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे से अभी कमाई करने का समय आ चुका है, और लोग इससे कमाई कर भी रहे हैं, और कुछ लोग इससे बहुत अच्छी तरह से कमाई करके निकलेंगे, जो एक माइलस्टोन साबित होगा किसी भी समय पर। भारत के लिए ये एक बहुत सुखद अनुभव की तरह सा है कि भारत ने एक नया इतिहास बना लिया, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। क्योंकि इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट अभी कोई नहीं है। चाइना ने किसी समय पर बहुत ग्रो करा था, बहुत आगे बढ़ी थी उसकी मार्केट, लेकिन अब वो भी नीचे आ चुका है, अब उसके अंदर उतनी गति नहीं है। उसको कम्प्लीटली अब भारत रिप्लेस करता हुआ दिख रहा है। भारत की मार्केट आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लोगों का ये विश्वास दिखाता है भारत की सरकार के ऊपर, भारत की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर, जो कारोबारी जगत के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। कारोबारी जगत इसको एक्सेप्ट कर रहा है और मान कर चल रहा है कि ये उनके बिजनेस के लिए पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अच्छी हैं, जिसका पूरा फ़ायदा इन्वेस्टर उठा रहा है, और इन्वेस्टर अपने पैसे को मार्केट में लगा रहा है इस उम्मीद के साथ कि उसको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा, अच्छी उसको इनकम होगी। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मार्केट बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।